तो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेवी रॉक्स टीम्स। तो हम आप लोगों के लिए आ गए भाई, मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा सीरी ए लीग का GEN वर्सेस TOR के बीच 3 घंटे 1 मिनट बाद। बात करूं भाइयों इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहां मिलेगी, तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एवी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो ग्रुप का नाम ध्यान से देख लो कि बाद में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि आप देख सकते हैं भाइयों, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको बाद में ग्रुप ढूंढने में प्रॉब्लम आए। तो आप नीचे भी देख सकते हैं भाइयों, काफ़ी ज़बरदस्त विनिंग चल रही है अभी तक, आप देख पा रहे होंगे नीचे। एंड भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त विनिंग है आपके आँखों के सामने है, और ये आज का दिन हमारे लिए थोड़ा एवरेज था, लेकिन इस मैच की टीम में आपको पोस्ट कर दूंगा ओपन, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया टेंशन मत लेना। तो चलते हैं आगे। तो एक सबसे मेन बात कर लूँ, इन दोनों टीम्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है, तो मेरे हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो है GEN, क्योंकि TOR वर्सेस GEN में देखा जा रहा है कि GEN के प्लेयर्स कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बात करूँ मैं गोल कीपर की, तो यहाँ से मैं लेने वाला हूँ एक प्लेयर्स का नाम है सेल्वेटर। अब आप सोच रहे होंगे भाई, जब आपको सेम क्रेडिट में ऊपर से एम पेरिन मिल रहा था तो आपने इस प्लेयर को क्यों चुना, या आप लोगों के सवाल मतलब मन में आ रहा होगा, मन में सवाल आ रहा होगा। लेकिन आपको एक मेन बात बता दूं, भले ही पिछले मैच में एम पेरिन ने बहुत बढ़िया खेला, लेकिन मेरी एक ध्यान से बात सुनो, आपको पता है कि आज के मैच में GEN स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। तो GEN स्ट्रॉन्ग रहने के कारण मैंने इस प्लेयर को चुना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं क्यों कि आज इस प्लेयर ने कम से कम 5 से 6 गोल रोकने हैं। तो समझ जाओ कि क्या हो सकता है, क्योंकि इनके प्लेयर गोल करने में माहिर है GEN के, और अगर गोल कीपर भी अच्छा हुआ तो दोनों साइड के गोल कीपर आज बहुत स्ट्रॉन्ग है। बात करूँ मैं डिफेंडर की, तो यहाँ से लूँगा मैं एक और प्लेयर जिसका नाम है एंड्रिया मेसिलो। एंड्रिया मेसिलो प्रीवियस मैच में 3% सिलेक्शन पर खेला था भाइयों, 3% ओनली, मतलब बहुत हैरानगी की बात है। लेकिन अगर मैं वहीं से बात करूँ एक और प्लेयर की, नाम है सी जबाटा। एक्चुअली पिछले मैच में लोगों को ना GEN टीम पे भरोसा नहीं था, लेकिन कभी भी अपना भरोसा ऐसे मत तोड़ो, क्योंकि अगर GEN टीम प्रीवियस मैच में जो एक मैच हुआ था VER के साथ दिन का, अगर उसको हरा सकती है, तो यार आई थिंक आज के मैच में ये विनर रहने वाली है। और आगे से बात करूँ, यहाँ से लूँगा एक और प्लेयर जिसका नाम है लेनर्ड, जो कि भाई इसकी 2% सिलेक्शन थी। ये आई थिंक भाई बीच में आ गए थे प्लेयर्स, जैसे कि आउट इन होता रहता है, और नीचे से एक और प्लेयर मिल रहा है एम बानी, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। एंड आगे से इतना कोई खास प्लेयर है नहीं, तो ये तीनों मेरे लिए बेस्ट प्लेयर हैं, जो कि जो मेरा फेवरेट प्लेयर है, जो मुझे लग रहा है कि आज कुछ तहलका मचाने वाला है, वो है भाई ए मेसिलो एंड सी जबाटा, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है। बात करूँ मैं मिडफील्डर की, तो यहाँ से मैंने 5 मिडफील्डर चुने हैं, 4 तो मैंने ऊपर से चुने हैं। अब आपको बताऊँगा क्यों, आपको एक प्लेयर दिख रहा होगा जिसका नाम है भाई मार्को। अब मुझे नहीं पता मार्को को ना क्या हुआ था कि प्रीवियस मैच में ये खेला नहीं था आई थिंक, तो अगर इस मैच में दिखता है तो आप इसको अपनी टीम में ज़रूर लेना, क्योंकि भाइयों ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है। और इसी के साथ जो सेकंड एक्सपीरियंस प्लेयर है वो है भाइयों एम बेडल्च, जो कि भाइयों ये दोनों प्लेयर्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो एम बेडल्च ज़्यादा बढ़िया, लेकिन अगर आप रिस्क ले रहे हो तो भाई इस प्लेयर के साथ ज़रूर जाना। अब वहीं से बात करूँ मैं ऑपोजिशन टीम की, जिसका नाम है एस वेर्दी का मैंने काफ़ी नाम सुना है, लेकिन इस टीम के आगे मेरे को लग नहीं रहा ये चलेगा, क्योंकि कई बार मैंने काफ़ी बार देखा कि बड़े बड़े प्लेयर्स भी फ्लॉप हो जाते हैं तो एक छोटी टीम के आगे, तो क्या पता आज वो हमें देखने को मिल सकता है। केएल इनेटी की बात करूं, केएल इनेटी यहां से आपको दोनों भी, एक रेयर प्लेयर तो नहीं है ये, बहुत सेफ प्लेयर है। आई थिंक इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा, अगर दोनों खेले तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई एक खेला तो और भी अच्छा है भाइयों, फिर मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों। पर आगे से बात करूं, यहां से आपको एक और प्लेयर मिल रहा होगा भाइयों जिसका नाम है इवान। मैंने आपको पहले बोल दिया था कि इवान रोडनोविक को मत छोड़ना, ये प्लेयर बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसने पिछले मैच में विदाउट गोल एंड विदाउट असिस्ट के 30 पॉइंट दिए थे, तो 30 पॉइंट अगर बिना गोल के मिल रहे हैं तो वो बहुत ही मतलब बहुत बड़ी बात है। बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड की, तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको एक प्लेयर मिल रहा होगा जिसका नाम है एफ बॉन अजाली, जो कि आपको बता दूं पिछले मैच में जब 21 सितंबर को मैच हुआ था, मतलब ये टीम कम से कम 1.5 महीने बाद खेलने वाली है, तो आप देख सकते हैं भाइयों इसने कुछ नहीं किया था उस मैच में। और इनका मैच किसके साथ था जरा टीम देख लो, JUV, तो JUV के साथ चलना भाई बहुत ही ज़्यादा बहुत मुश्किल है, मैं आपको बता दूं। पर आगे से बात करूं, यहाँ से लूँगा एक और प्लेयर जिसका नाम है जी पेंडव, यहाँ से आपको भाई यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अच्छी पिक मिलती है, कैप्टेंसी आज के लिए बहुत अच्छी है, अगर आप किसी को कैप्टन बनाना चाहते हो देन दिस इज़ बेस्ट। लेकिन मेरे को इन पर मिस्टेक लग रही है, जरा आप ध्यान से, आपने गौर नहीं किया होगा, आप खुद पर भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे एक मिस्टेक है भाइयों। आप देख सकते हैं जब ये टीम है TOR तो इसमें JUV वर्सेस सैम दिखाया गया हमें, लेकिन पता नहीं क्या मिस्टेक है, आई थिंक भाई कोई प्रॉब्लम होगी। तो चलते हैं आगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये ना थोड़ा रिस्की प्लेयर है, आप चाहो तो इसकी जगह प्लेयर ट्राई कर सकते हो जिसका नाम है ALOT, जो कि भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त प्लेयर है, बस लाइनअप्स में होना चाहिए तो मैं ये मेरी टीम में ज़रूर रहेगा, और अगर लाइनअप्स में ना हुआ देन अभी के लिए सेफ जा रहा हूँ। तो ये देख सकते हो भाइयों, ये रही मेरी टीम, मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ। अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता तो टेंशन मत लेना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर टीम पोस्ट कर दूंगा। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय।